नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़। देश के पहले मानवता भलाई कार्यों के समाचारों के बुलेटिन मानवता का बिगुल में आपका स्वागत है। हांसी में जरूरतमंद व्यक्ति को डेरा प्रेमी ने किया रक्तदान। वैसे तो डेरा अनुयायी सभी कार्यों में आगे रहते हैं, लेकिन मानवता भलाई की अगर बात करें तो डेरा अनुयायियों का कोई सानी नहीं। रक्तदान के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले डेरा अनुयायी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लगभग हर दिन डेरा अनुयायी रक्तदान करते हैं। डेरा अनुयायी किसी भी अवसर को मानवता भलाई के रूप में मनाने से पीछे नहीं हटते। पावन महापरोपकार महीने की खुशी में रक्तदान करने वालों में सुशील इंसा व ओपी सैनी भी शामिल हो गए हैं। सुशील इंसा 30 से भी ज्यादा बार रक्तदान कर चुके हैं, वहीं ओपी सैनी हर 3 महीने में रक्तदान करते हैं। अंबाला में राशन और कपड़े बांट कर की जरूरतमंदों की मदद। ब्लॉक अंबाला शहर के जोन 1 के सेक्टर 9 निवासी नवनीत इंसा व संतोष इंसा ने अपनी बेटी डॉक्टर मृदु इंसा व बेटे अंकुर इंसा के जन्मदिन की खुशी में जरूरतमंद परिवारों को राशन व कपड़े भेंट किए। चंडीगढ़ के पंकज सरदाना ने जन्मदिन पर किए 13 मानवता भलाई के कार्य। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए चंडीगढ़ निवासी पंकज सरदाना ने मानवता भलाई के 13 कार्य करके अपना जन्मदिन मनाया। बठिंडा में 10 परिवारों को बांटा गया राशन। पर्यावरण की शुद्धता के लिए लगाए पौधे। ब्लॉक बठिंडा के शहीद गुरजीत सिंह इंसा और ब्लॉक बांडी के गांव महता के शहीद बलकरण सिंह इंसा की याद में उनकी 13वीं वर्षगांठ पर पारिवारिक सदस्यों और साथ संगत ने मानवता भलाई के कार्य कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शहीदों के परिवारों ने 10 जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा। नामचर्चा घर में पर्यावरण की शुद्धता के लिए पौधे लगाए और शहीद बलकरण सिंह के लिए कनाडा रहते पारिवारिक सदस्यों ने भी मानवता भलाई के कार्यों के लिए ब्लॉक को आर्थिक सहयोग दिया। नाम चर्चा के दौरान कवि राजो ने शब्दवाणी की और डेरा सच्चा सौदा के पवित्र ग्रंथों में से मुर्शिद के अनमोल वचन पढ़कर सुनाए। इस अवसर पर शहीद गुरजीत सिंह इंसा के पिता जरनैल सिंह इंसा, माता सुखविंदर कौर इंसा, बेटी सुखरीत इंसा, चाचा गुरमेल सिंह इंसा, भाई जगसीर सिंह इंसा, जीजा प्रदीप इंसा और अन्य रिश्तेदार, शहीद बलकरण सिंह इंसा के भाई जसकरण सिंह इंसा नंबरदार, भाभी परमजीत कौर इंसा, पत्नी करमजीत कौर इंसा, बेटी खुशप्रीत कौर इंसा, बेटा एकमप्रीत इंसा, भतीजी सुखदीप कौर इंसा, चाचा जसवीर सिंह, चाची सरबजीत कौर और इसके अलावा डेरा सच्चा सौदा के 45 मेंबर, 25 मेंबर, 15 मेंबर ब्लॉक भंगीदास, जिला सुजान बहने, ब्लॉक सुजान बहने, शाह सतनाम जी ग्रीनेस, वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार व आसपास के गांवों के भंगीदास और साथ संगत भी उपस्थित रही। सोनीपत के नितिन इंसा ने रक्तदान कर बचाई मरीज की जान। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन शिक्षाओं पर चलते हुए नितिन इंसा निवासी बड़ा बाजरा गोहाना ने किरण पत्नी गोविंद निवासी कैलाना सोनीपत को खानपुर पीजीआई में डिलीवरी के दौरान खून की जरूरत पड़ने पर अपना रक्तदान करके मानवता का फर्ज अदा किया। मृतक बछड़े को सड़क से हटाकर दिया पुनरी की साथ संगत ने इंसानियत का परिचय। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हमेशा मानवता भलाई कार्यों में निरंतर जुटे रहते हैं। इसी कड़ी के तहत पुनरी ब्लॉक के बोची गांव से हर्ष इंसा ने सड़क पर पड़े मृतक बछड़े को हटाया व दफनाया। हर्ष इंसा व उसके दोस्तों को करनाल हाईवे पर सड़क पर मृत गाय का बछड़ा मिला, जिसे देख कर लोग गुजर रहे थे, जिस पर से वाहन उसके ऊपर से गुजरे पर किसी ने उसे हटाने की कोशिश नहीं की। पूज्य गुरुजी के वचनानुसार हर्ष इंसा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस बछड़े को सड़क से हटाया और गड्ढे में दफनाया। राहगीरों ने इस कार्य की सराहना की व धन्यवाद किया। आपको बता दें कि हर्ष इंसा 15 मेंबर कमेटी के सदस्य भी हैं। इस मौके पर मोहित, सालू, चांदी, संकेत, सावन, नवीन व राजू ने इस नेक कार्य में सहयोग किया।